हाँ जी, गेटवे टू इंग्लिश चैनल एक बार फिर स्वागत करता है। अज इस वीडियो के आप 8th क्लास की जो अपने को वर्कबुक आई हुई है सैशन 2022-23 की, इस वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करांगे। सो तुसी बेटा वर्कबुक खोलो, नाल दी नाल फिल तुसी कर लियो। जिथे कितने थोड़ा स्पीड वध लगे तो वीडियो पॉज करके तुसी अपनी वर्कबुक फिल कर सकते हो। ठीक है, साफ साफ फिल करो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। जेकर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो एक वीडियो एक बार देखने नाल तां तुसी वीडियो दूसरी बार भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो नूं लाइक करना, शेयर करना वध तों वध। जेकर चैनल ते नवे हो बेटा चैनल सबसक्राइब कर लेना ताकि तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाए। बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी वर्कशीट नंबर 9 दी, लैसन का नेम है चार्ज फॉर लव। सो फर्स्ट एक्टिविटी मेक सेंटेंसिज है। फर्स्ट वर्ड है साइन बोर्ड, इश्तिहार पट्टी। सेंटेंस बिल्कुल सौखा जहा है, ही पेंटिड अ साइन बोर्ड। ठीक है, उसने एक साइन बोर्ड पेंट किया। नेक्स्ट है स्वेट, जिसका मतलब है पसीना। ही वॉज स्वेट स्वेटिंग, उसनों पसीना आ रहा सी। एज ए वर्ब आप इतने यूज कर लिया। ठीक है, देन है होबलिंग, लंगड़ाउना। द लिटिल पप वॉज होबलिंग, छोटा जो पप सी हो लंगड़ा रहा सी, लंगड़ा के तुर रहा सी। ठीक है, ट्विस्टिड मुड़िया होया, घुमाया होया। ठीक है, घुमाया होया कह लो, मुड़िया होया कह लो। द बॉय हैड ट्विस्टिड लैफ्ट लैग, उस लड़के की जिहड़ी लैफ्ट लैग सी वो ट्विस्टिड सी। नैक्सट है एडवरटीज, मशहूरी। ही वॉज एडवरटीजिंग, वह मशहूरी कर रहा सी। हैंडफुल मुट्ठी भर, द बॉय हैड अ हैंडफुल ऑफ चेंज, उस लड़के को मुट्ठी भर खुले पैसे सन। क्रिपल्ड अपाहज, द बॉय हैड क्रिपल्ड लैग, लड़के की जो है लत अपाहज लत सी लड़के की। डिलाइट का मतलब खुशी है, हैप्पीनेस। ही वॉज डिलाइटेड, ओ खुश सी। वर्थ का मतलब वैल्यू कीमत, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्टरिंग राउजिंग हलचल, द पप्पी वॉज स्टरिंग। ठीक है, जो पप्पी सी कतूरा सी वह हलचल कर रहा सी। नेक्स्ट अपने को है क्वेश्चन आंसर्स ने बेटा, हू हैड सम पपीज टू सेल, किस कोल सी पपीज बेचन वास्ते, किस कोल सी एक दुकानदार कोल। ठीक है, किस कोल सी पपीज बेटा, दुकानदार कोल सी। अ शॉप ओनर हैड सम पपीज टू सेल। नेक्स्ट है हू अप्रोच द शॉप ओनर, दुकानदार दे दुकान दे मालिक कोल कौन पहुंचा, अ बॉय। ठीक है, अप्रोच द शॉप ओनर, दुकान दे मालिक कोल एक लड़का पहुंचा। वट वॉज द कोस्ट फॉर ईच पपी, हरेक कतूरे की कीमत किन्नी सी, $30 to $50 सी। फोर पर फोर ईच पपी, हरेक कतूरे की कीमत 30 to $50 दे विच विच सी। देयर वर फाइव पपीज़। ठीक है, फाइव से टिक करोगे तुसी। नेक्स्ट है हूज लेफ्ट लैग वॉज क्रिपल्ड, द बॉयज लेफ्ट लैग वॉज क्रिपल्ड, लड़के की जो है खब्बी लत अपाहज सी। द लिटिल बॉय वॉज फैसिनेटिड बाय द ब्यूटी ऑफ द डोग, ए फॉल्स है, कुत्ते की खूबसूरती करके वो आकर्षित नहीं होया सी। ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट है अ वेटरनेरियन हैड एग्जामिन्ड द लिटिल पपी, ए ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट द पर्पस पर्पस ऑफ द शॉप ओनर वॉज टू सेल पपीज। ठीक है, उसका दुकान के मालिक का उद्देश जो है कतूरा ने कतूरिया वेचण का सीगा। हिप सॉकेट हेल्प्स अस टू वॉक, इतने फिल कर दोगे तुसी। नेक्स्ट मैचिंग है साइन बोर्ड नू मैच कर दो तुसी। पपीज फॉर सेल, नो चार्ज फॉर लव, एक खाली रह जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अपने को एंटोनिम सिनोनिम दसने बेटा। इमीजिएटली का मतलब एडवांस, तुरंत, तो एंटोनिम इसका हो गया इवेंचुअली लिख लो या लेटर लिख लो, सौखा जहा। ठीक है, रिवील्ड का मतलब डिस्कलोज, तो कंसील्ड का मतलब है जो दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो रिवील्ड है जो दिखाया गया हो, डिस्कलोज का ही मतलब वही है, तो कंसील्ड का मतलब छुपया होया। नेक्स्ट है स्ट्रेट सीधा डायरेक्ट, तो एंटोनिम हो गया इसका जिग जैग। नेक्स्ट है एन एफ काफ़ी मात्रा विच सफिशियंट, तो अपोजिट हो गया इसका इनसफिशियंट। दैन अपीयर्ड यानी कि सेम्ड, तो अपोजिट हो गया डिसअपीयर्ड। नैक्सट अपने को सपोज यू आर स्टक इन अ कंप्लीकेटड सिचुएशन वेयर यू सी सम स्टूडेंट्स हू आर बुलिंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड, मान लो तुसी एक गुंझलदार समस्या में फंस गए हो, एक कुछ विद्यार्थी ने और एक डिसेबल्ड चाइल्ड है, कोई विकलांग बच्चा है, अपाहज बच्चा है, उसनों तंग कर रहे सी। ठीक है, तंग कर रहे ने, तो तुसी उस टाइम की करोगे, वट आर द पॉसिबल वेज टू हेल्प हिम, उस बच्चे की तुसी मदद किवें करोगे, कि संभव तरीके ने जिन्हें तुसी मदद कर सकते हो।
ठीक है, लिख लो तुसी आइल बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन द डिसेबल्ड चाइल्ड। सब तो पहला तो मैं उस अपाहज बच्चे दे अंदर जो है विश्वास पैदा करूँगा, बूस्ट करूँगा उसके अंदर विश्वास नू, ठीक है। आइल मेक हिम फेस द सिचुएशन फीयरलेसली, मैं उसनू उस स्थिति नू निडरता नाल फेस करन दे योग बनावांगा, ठीक है। आइल मेक दोज बुलिंग स्टूडेंट्स डिवेलप एम्पथी फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड, ठीक है। मैं उन्हां जो बच्चे उसनू तंग करने, विद्यार्थी तंग कर रहे सी, उन्हां दे अंदर विच भी हमदर्दी की भावना विकसित करांगा। आइल मेक दैम अंडरस्टैंड द चैलेंजिज फेस्ड बाय हिम, मैं उन्होंने समझावगा कि वह बच्चे केड़े केड़े जो है चैलेंज जो है फेस करने पैंदे ने। आई विल टैल दैम द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग हैल्पफुल फॉर द नीडी वंस, मैं उन्होंने समझावगा कि जरूरतमंदा की मदद करने का की महत्व हुंदा है, ठीक है। आइल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैम बी फ्रेंड विद द डिसेबल्ड चाइल्ड, मैं अपनी पूरी कोशिश करांगा कि वह बच्चे विद्यार्थी जोड़े हैं उस डिसेबल्ड बच्चे लिए उस अपाहज बच्चे दे दोस्त बन जाण उह, ठीक है। ये मैं कोशिश करांगा, ठीक है। इसनों तुसी नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लो, फिल कर लो बुक दे विच, ठीक है। नैक्सट है अपने कोल फिल इन द ब्लैंक्स विद करैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। द लिटल बॉय इतने वॉज गैटिंग लिख लेंगे आप, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है, ठीक है। वॉज गैटिंग, नैक्सट है द शॉप ओनर हैड नेल्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है। पास्ट परफेक्ट के हैड नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बेटा वॉज वर टू हैल्पिंग वर्ब्स होंगे ने, तो आई एन जी फॉर्म लगती है उस, क्लीयर। नैक्सट है ही विल गो फिल करेंगे, इतने ही विल गो क्योंकि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस फिल करना है। फ्यूचर इनडेफिनेट के शैल और विल टू हैल्पिंग वर्ब्स होंगे ने, तो मेन वर्ब की फस्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म। नैक्सट है द बॉय ड्रॉप्स हिज हैड फॉर अ मूमेंट, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के कई नियम ने, ठीक है, डिटेल के समझना तो टेंस वाली वीडियो तुसी देख लियो, चैनल के उपर हैगी अपने को, प्लेलिस्ट खोलो टेंस वाली, उत्थे तुहानू क्लीयर हो जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा जिहा तुहानू इत्थे दस दिना, जदों सबजैक्ट सिंगुलर होवे, थर्ड परसन सिंगुलर होवे, तां इत्थे जो वर्ब फिल करांगे वह थर्ड परसन सिंगुलर वर्ब ही फिल होएगी। थर्ड परसन सिंगुलर का मतलब है अजिही वर्ब जिस दे विच एस ई एस लग्या होवे, ठीक है। एस ई एस वाली जो है थर्ड परसन सिंगुलर फॉर्म होंगी है वर्ब की, ठीक है। नैक्सट देखो अपने कोल है गया देयर वॉज नो चार्ज फॉर ल, पास्ट इनडेफिनेट फिल करना ना, पास्ट इनडेफिनेट दे विच पास्ट फॉर्म यानी कि सैकेंड फॉर्म लगती है, जे सेंटेंस नैगेटिव होवे डिड नोट नाल फस्ट फॉर्म लगती है। सो इतें इज है, इज द पास्ट फॉर्म वॉज होंगी है, ठीक है, इतने आप लिख देंगे। नैक्सट देखो आइडेंटिफाई द टेंस इन ईच बॉक्स एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, इतने की किया है बेटा, अपना ने देखना है भी कि वाक जो है कि टेंस का है, जिम्मे आई एट चाइनीज़ फूड सैकेंड फॉर्म लगी हुई है, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक है। नैक्सट देखो द ट्रेन हैड लैफ्ट आ गया हैड, तो थर्ड फॉर्म आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस है। इधर तुम देखो शी वॉज प्लेइंग वॉज वर आई एन जी फॉर्म कि टेंस होंगे पास्ट कंटिन्यूस हो गया है, ठीक है। इधर देखो तुम शी हैड गोन टू डेली हैड नाल थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। उपर आ जाओ फिर इधर शी विल बी राइटिंग अ लैटर विल बी तो आई एन जी फॉर्म, शैल बी विल बी आई एन जी फॉर्म कि टेंस में होंगी है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होंगी है बेटा। सो ये तुहाडा कंप्लीट हो गया इतने। नैक्सट देखो ट्रांसलेशन है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुहाडा पक्का मित्र कौन है। वट डिड द टीचर टीच अध्यापक ने की पढ़ाया। वाई डिड ही नॉट गिव द आंसर, उसने जवाब क्यों नहीं दिता। तुसी कित्थे जा रहे हो वेयर आर यू गोइंग, तुसी रौला क्यों पा रहे हो वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तुसी कदों आ रहे हो वैन आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देना बेटा, ठीक है, ध्यान रखियो सारे ही जो सेंटेंसिज ने इंट्रोगेटिव ने इस एक्सरसाइज विच। नैक्सट है देखो आर यू लिसनिंग, लिसनिंग प्रैक्टिस है। अ शॉप ओनर हैड सम पपीज, इत्थे तुसी टिक कर लोगे पपीज दे। ही पेंटिड अ साइन बोर्ड, ही सैट अबाउट नेलिंग इट ऑन द वॉल। नैक्सट है अ बॉय सॉ द बोर्ड एंड स्टार्टिड वॉकिंग टूवर्ड्स द शॉप। नैक्सट हाउ मच आर यू गोइंग टू सैल द पपीज फॉर, ठीक है। नैक्सट अपने को दूसरा सैक्शन है लिसनिंग द, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स यूजली लिव इन हॉट कंट्रीज, रैप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडिड, रैप्टाइल्स कैन नॉट कीप देमसेल्व्स वॉर्म, रैप्टाइल्स बिकम एक्टिव इफ इट इज़ वॉर्म, रैप्टाइल्स बिकम स्लगिश इफ इट इज़ कूल। नैक्सट है देखो हु लव्स पैट्स इन योर फैमिली,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ, ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ 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 ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪੈਟ ਆਫ ਦੀਜ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਫੈਮਲੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੋਰਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਡੋਗ, ਮਦਰ ਕੈਟ, ਫਾਦਰ ਕਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਸਕ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਐਨੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵੈਨ ਦੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚਾਰਜ ਫੋਰ ਲਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਡੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਸੋ ਐਨ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਰੋਡ ਸਾਈਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੁੱਕ ਹਿਮ ਟੂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਲੱਕੀਲੀ, ਲੱਕੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੀਲੀ ਹੀ ਵਾਜ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਡਿਊ ਟੂ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੀਲੀ ਹੀ ਵਾਜ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਡਿਊ ਟੂ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਔਫਰਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹਿਊਜ ਮਨੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਾਰ ਹਿਜ ਹੈਲਪ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਔਫਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਜ ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਨੋ ਚਾਰਜ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਲਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇੱਥੇ ਇਜ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਵੋਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਕ੍ਰੈਚ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਦੇਅਰ ਇਜ ਲੈਕ ਆਫ ਹਾਈਜੀਨ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਦੇਅਰ ਇਜ ਨੋ ਚਾਰਜ ਫੋਰ ਲਵ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲੀ ਐਵੇਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਫੀਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲਜਰ ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਈਡ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾ, ਦਾ ਬੋਏ ਹੈਡ ਨੋਟ ਇਨ ਮਨੀ ਟੂ ਬਾਏ ਦਾ ਪਪੀ, ਟਰੂ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਸੋਰੀ ਕਤੂਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ। ਦਾ ਬੋਏ ਹੈਡ ਏ ਕ੍ਰਿਪਲਡ ਲੈਗ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਅਪਾਹਜ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਲਵ ਯੂ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਵਿਲ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਈ ਜਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿਲ ਕਮ ਇਫ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟ ਹਿਮ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿਲ ਕਮ ਇਫ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟ ਹਿਮ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਕਮ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਫਿਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।